बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादीन। आज जो बात आपसे शेयर करेंगे, बल्कि आपको समंदर की सैर करवाएंगे और मौके पे भी ये बात साबित करेंगे कि इस ये जो दो कलर का झगड़ा चल रहा होता है, आमतौर पे हम लोग यूट्यूब पे अक्सर वीडियोस देखते हैं कि जिसमें बताया जाता है कि ये दो समंदर के मिलने की जगह है और पीछे कुरान पाक की एक आयत चलाई जाती है और साथ में तर्जुमा बताया जाता है कि दो समंदर की जगह बिल्कुल होगी, लेकिन वो ये जगह नहीं है। ये जो जगह है, यानी एक जगह एक कलर समंदर का नीले आसमान की तरह है और दूसरा कलर मिट्टी की मानंद है, तो इस पे वो झूठ का एक पलंदा बनाया जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पे जिसका जिक्र कुरान पाक में किया जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अभी आपको समंदर में वो जाके डायरेक्टली वहाँ पे वीडियो बना के दिखाएंगे कि वो असल में है क्या। तो मैं क्योंकि मुशाहदा कर चुका हूँ, तो उस मुशाहदे से पता चला कि जहाँ पर समंदर की ज़्यादा गहराई है तो वहाँ पर उसका कलर आता है ब्लू आसमान जैसा। तो जहाँ पे उसकी गहराई नहीं है, 5 से 6 फुट तक उसकी गहराई है, वहाँ पे कलर आता है ज़मीन या दूसरी कोई बात नहीं है। आएँ अभी आपको समंदर में लेके चलते हैं और दिखाते हैं ये क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज आपके सामने जो हकीकत से पर्दा उठाएंगे, आपने सोशल मीडिया पे अक्सर देखा होगा कि बोलते हैं समंदर जो वहाँ पर मिलते हैं वो ये जगह है, तो आज आपको इसकी हकीकत बताएँगे कि ऐसा है क्यों। आपके सामने अभी पहले आपको दिखाएँगे ये दो कलर हैं, सामने ये कलर है और सामने दूसरा कलर आ रहा है। तो ये वो जगह है जिसका हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये समंदर मिल रहे हैं, ये हो रहा है। तो आज इसकी हकीकत से पर्दा हम उठाएंगे। आइए जी चलते हैं। अब इसकी हकीकत ये है कि जिस जगह पे अब हम जा रहे हैं, इस जगह पे आप पानी देख सकते हैं कितना है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपके पाँव ज़मीन पर नहीं लगेंगे, वहाँ समंदर की गहराई है। मतलब ये हुआ कि जो सूरज की रोशनी है वो इस ज़मीन पर नीचे पड़ रही है, तो इसकी वजह से इसका कलर साफ ज़मीन दिखाई दे रही है। तो वहाँ पे क्योंकि ज़मीन नीचे नहीं है, बहुत ज़्यादा गहरा पानी है, तो इसलिए वहाँ पे नज़र नहीं आता। आए जी हम बढ़ते हैं। हलो वाला या अखवान दी इस्तेसाले दी अहमद अबू लोफा हरकत बरकत शगल अलहेन हम तवर रही हैं दियल दुनिया बाहर दियल दुनिया जमील। तो ये अभी आपको कलर का पता चल गया जी, ये वही जगह है जिसे हमें इंटरनेट पे दिखाया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ पे दो समंदर मिल रहे हैं जी। यार रोल क्या हाल यार इज्जाल यार क्या नमस्रिया देख रहे हैं सीखिए नहीं वो एक दरखी था बस। हेलो हेलो अल्लाह देख ससाल एदखुल निबिल्ला शोया आशना ने बोवरी नफरात लोन देश लेश मुख्तलिफ लोन शोफनी आशन ही ना मोया ज्यादा हाँ शोफ ही ना मैं एक दर नफर अस्तन्ना नहीं दी मोदो आशन नफरत कलाम दी लोन वो ही ना एक दी इसमा सा हादा लोन समझ ही ना ही ना लोन मफ्तूह हादा लोन समझ ही ऐश हादा तुरब हादा अर्द अर्द जी हादा नहीं मफ्तूह यानी सिमसिम हादा कलर मजबूत कलर मौजूद हादा मर अजरक हादा मर दंजर बस अंत मालूम सो सोशल मीडिया नफरत कलाम ऐश वो कदीर कलाम मंदी कुल्लू कलाम कज़्ज़ाब لا 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 اليوم انا حصل دي حقيقه ايش هذا موجود بعدين دانجرز مره انت كده على طول انت ممكن جوا مويه ما اقدر استنى ما اقدر تحمل السويمنج مظبوط سباحه مظبوط هذا هو ها يلا حبوب وين ابدا يلا يا رجال انا جوال لازم لك انا بدي جوال ويجي खलास भाई साहब अब आपको इस कलर के हकीकत में पता चल गया। अब हम उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे ये कलर चेंज होता है। जैसे हम उधर जाएंगे हम पानी के नीचे चलते जाएंगे, अब इससे आगे जाएंगे तो हमारा खड़ा रहने के बाद भी पानी हमें नहीं खड़ा रहने देगा और हमें तैरना ज़रूरी हो जाएगा इसके लिए। ये देख लीजिए अब हम उस हद पर आ गए हैं जिस हद पर कलर बदल रहा है, अब हमें वापस जाना चाहिए। तो ये हम वापस जा रहे हैं जी। तो ये अब वही कलर आ गया सेम मिट्टी वाला कलर।
तो इसी चीज़ से हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप लोग जब भी दमाम में सऊदी अरब में आएँ तो हाफ मून की तरफ आएँ, यहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ये रूम टाइप के लिए आपके लिए बने हुए इस्तरा टाइप के लिए, ताकि आप यहाँ पे बैठ के खाना वाना बना सकते हैं। ये सारी तरतीब है जी यहाँ पे। तो आप जब भी आएँ दमाम में समंदर की सैर करने के लिए तो लाजमी तौर पे आपने आना है हाफ मून की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।